छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान दीपक वैज ने यात्रा का ब्यौरा देते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कवर्धा कांड, बलौदाबाजार हिंसा, आदिवासी की फर्जी एनकाउंटर, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का जिक्र किया। वैज ने कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता को संतुष्ट करने में नाकाम रही है। प्रदेश की जनता में डर और भय का माहौल है। 10 महीने में अपराध पर अपराध होते रहे हैं और भाजपा ने अपनी उपलब्धि बताने की वजह केवल कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम किया है। का मकसद था कि जिस तरह से 9 से 10 महीने की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को सुरक्षित करने में विफल हुई और लगातार छत्तीसगढ़ में घटनाएं घट रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों का हौसला चरम पर और ये सरकार लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।